दोस्तों एटॉमी में ऑटो सेल्स मास्टर कैसे बने। यदि आप ऑटो सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस वीडियो में बताया गया है कि एटॉमी के CEO हैंग गिल पार्क किस प्रकार से एक बड़ा मुकाम दिया इस एटॉमी को, और इसमें सीखें जो है ये जो फाइनल गोल है जो आपको खुद अपने एफर्ट से ही हासिल करना है उसे बुलाया जाता है सेल्स मास्टर, या हम कहते हैं ऑटो सेल्स मास्टर। जब आप ऑटो सेल्स मास्टर बन जाते हैं तब आपका महीने का कमीशन होता है 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए। पर आप सोच सकते हैं कि हमें तो बोला गया था कि 24 लाख से 40 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि आपका अल्टीमेट गोल है 1.5 लाख से 3 लाख रुपए। अल्टीमेट गोल से मेरा मतलब ये है कि ये आखिरी पड़ाव है जो आपको खुद ही पार करना होगा। इसके बाद का सब कुछ अपने आप हो जाएगा, मतलब ऑटो सेल्स मास्टर के बाद सब खुद ही होगा। तो अगर आप डायमंड मास्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये अचीव करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होगा, इसीलिए आपको खुद अपने आप ऑटो सेल्स मास्टर बनना पड़ेगा। इसके बाद जो लोग ऑटो सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे। जब ऐसे दो लोग आपके लेफ्ट और राइट में आ जाएंगे तब आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे ऑटो डायमंड मास्टर। इसीलिए आपको जो करने की जरूरत है वो ये कि आप ऑटो सेल्स मास्टर बनने के लिए अपना फाइनल गोल तय करें। तो असल में अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप ऑटो सेल्स मास्टर कैसे बनेंगे। उसके लिए आपको 2.5 लाख पीवीज चाहिए, और वो भी दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, और ये होना चाहिए महीने में 2 बार, मतलब हर 15 दिनों में, क्योंकि क्लोजिंग जो है वो हर महीने की 15 और आखिरी तारीख को होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने आपको 5 लाख पीवीज चाहिए अपने दोनों साइड में। देखिए, ऑटो सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको अपनी लाइन में ऑटो कंज्यूमर्स चाहिए। ये बहुत जरूरी है, बिना ऑटो कंज्यूमर्स के आप किसी भी तरह से ऑटो सेल्स मास्टर बन ही नहीं सकते। अब ऑटो कंज्यूमर्स बनाने के लिए कंडीशंस क्या है? सबसे पहले तो वो एजुकेटेड होने चाहिए और खुद को वो रजिस्टर करे, ये जरूरी है। आप सब कुछ उनके लिए करते रहें, उससे बेहतर ये होगा कि आप खुद उन्हें ये चीज कैसे करनी है ये चीजें सिखा दें। जब तक एक इंसान को कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप उनके लिए ये करने के बजाय उन्हें सिखा सकते हैं। अब अगर किसी इंसान को कंप्यूटर और इंटरनेट आता ही नहीं है तो फिर आपको जरूर उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा। दूसरी जरूरी बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि उन लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में खुद पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, मैं ये प्रोडक्ट हमेशा इस्तेमाल करना चाहता हूं। जिसका मतलब है कि उन्हें खुद ब खुद प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑर्डर लेंगे और उनको प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे। देखिए, किसी को अगर मदद चाहिए तो आप जरूर आगे बढ़कर उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ऑटो कंज्यूमर वो इंसान होगा जो खुद प्रोडक्ट खरीदेगा और इस्तेमाल करेगा। आपको पता हो या ना हो, आपके ऑटो कंज्यूमर को खुद ब खुद प्रोडक्ट्स खरीदते रहने हैं, पर ऐसा करने के लिए हमें उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में सिखाना तो पड़ेगा, ताकि कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, और फिर वो उनको इस्तेमाल करके अपने एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और वो उन्हें खरीद सकते हैं। ये जरूरी है कि वो खुद ब खुद प्रोडक्ट्स खरीदे। अगर ऐसा हो गया तो वो कंज्यूमर ऑटो कंज्यूमर बन गया। अगली चीज जो इस इंसान को करनी है, जो कि 5वीं चीज है, उन्हें इन प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरे लोगों को बताना पड़ेगा। एक बार आप लोगों को इस तरह से ट्रेन कर देंगे तो फिर वो अपने आप ऑटो कंज्यूमर्स बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में वो लोग जो अपने प्रोडक्ट्स अपने आप खरीदते हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं और फाइनली वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वो लोग क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑटो कंज्यूमर्स। हमें ऐसे ऑटो कंज्यूमर्स अपनी लाइन में चाहिए, मतलब अपने लेफ्ट और राइट में भी। तो ऐसे कितने ऑटो कंज्यूमर्स हमें ढूंढने की जरूरत है? जब कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है तो वो तकरीबन 15 दिन में 50,000 पीवीज और एक महीने में 1,00,000 पीवीज इस्तेमाल करता है। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो फिर तो एक कॉस्मेटिक सेट 2 से 3 महीने चलता है। एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर इसकी कीमत होगी तकरीबन 25,000 पीवीज। और अगर वो कंज्यूमर एक महीने में एक हेमोहिम का बॉक्स इस्तेमाल करता है तो इससे एक और 25,000 पीवीज मिलेंगे। और अगर हम टूथब्रश, टूथपेस्ट और दूसरे प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दें तो कुछ हजार पीवीज और भी ऐड हो ही सकते हैं। कंज्यूमर्स तो ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे ही, पर उन लोगों के दूसरे फैमिली मेंबर्स भी है ना, तो दूसरे फैमिली मेंबर्स भी तो इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। जरूर कुछ घरों में ये होता है कि घर में सिर्फ एक ही औरत होती है, पर कुछ घर तो होंगे जहाँ पर बेटियां होंगी, माएँ होंगी, बहनें होंगी जो ये सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। अगर एवरेज ले तो एक परिवार एक सेट इस्तेमाल करेगा, मतलब एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर 4 सेट खरीदे जाएंगे, जिसका मतलब है कि 25,000 पीवीज उसके लिए बनेंगे, 25,000 पीवीज हीमोहिम के लिए और टोटल हो जाएगा उसका 25,000 पीवीज। सही बात है। और अगर वो परिवार कुछ और प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करता है तो फिर और 50,000 पीवीज ऐसे ही बन जाएंगे। इसका मतलब है कि हर एक परिवार में अगर उनके पास सही नॉलेज हुई और उनका एक्सपीरियंस सही रहा तो फिर 1,00,000 पीवीज तो हो ही जाएंगे। चलिए मान लेते हैं एक परिवार से आपको 1,00,000 पीवीज मिलते हैं, तो अगर आपको 5,00,000 पीवी हर महीने चाहिए तो आपको कितने लोगों की जरूरत है? 50 लोग, है ना। अब जब मैं 50 लोगों की बात कर रहा हूं तो मैं रजिस्टर्ड मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ट्रेंड है और अपने परचेजेस खुद कर सकते हैं। एक बार आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे तब आप जाकर बनेंगे ऑटो सेल्स मास्टर। तो अगर आपके पास 50 ऑटो कंज्यूमर्स हैं तो आपको मिलेंगे 2,50,000 पीवीज हर 15 दिनों में। इसका मतलब आप ऑटो सेल्स मास्टर बन सकते हैं। पर ये कंज्यूमर्स महीने में 6,00,000 पीवीज भी बना सकते हैं, पर हो सकता है अगले महीने वो 4,00,000 पीवीज बनाए, हो सकता है ना। इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलना सही होता है। तो 50 लोगों के बजाय 100 लोगों के बारे में क्या ख्याल है? अगर आपके पास 50 के बजाय 100 लोग हो तो आप लगातार ऑटो सेल्स मास्टर बनते ही रहेंगे, ये एकदम निर्धारित है। जब आपके दोनों साइड में 100 ऑटो कंज्यूमर्स होंगे तो इसका मतलब है कि आपके अंडर 200 लोग रजिस्टर्ड हैं जो अपने प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। इसका मतलब है आप ऑटो सेल्स मास्टर जरूर बनेंगे। वो इंसान जो महीने के 1,50,000 से 3,00,000 रुपए कमाएगा। अगर आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आप सच में एटमी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप एक ऑटो सेल्स मास्टर बनकर 1,50,000 से 3,00,000 रुपए कमाएंगे, चाहे आप छुट्टियों में हो या आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो आप खुद बताइए क्या आप ये काम छोड़ेंगे या आप इस काम को और ज्यादा करना चाहेंगे? बताइए आप मुझे, कंटिन्यू करेंगे ना या आप इस काम को छोड़ देना चाहेंगे? कंटिन्यू करेंगे ना। आप जब इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे ना तब आप इस बिजनेस को एंजॉय करने लगेंगे, और जिस चीज को एंजॉय करते हैं उसके बारे में बात भी करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बात करते हैं। अब जब आप हर महीने 1,50,000 से 3,00,000 रुपए कमा रहे होंगे तो आपके डाउनलाइंस का कुछ नहीं कमा रहे होंगे, वो लोग भी कुछ ना कुछ कमा रहे होंगे। कोई 15,000 कमाएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 30,00,000 से 40,00,000 रुपए कमाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उससे भी ज्यादा कमाएंगे। अगर एक परिवार 50,000 कमाए तो ये तो सच में एक बहुत बड़ी बात है ना। इस एक्स्ट्रा 50,000 से काफी कुछ बदलेगा। अगर आप घर के खर्चों में 25,000 रुपए तक भी बढ़ा देते हैं ना तो आपका परिवार जो है एक बड़ी दावत एंजॉय करेगा। थोड़े से पैसे बढ़ने से ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक बढ़ जाएगा। आप अपना घर बड़ा कर सकते हैं या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। तो जो लोग आपके डाउनलाइन हैं जो तकरीबन 25,000 से 80,000 रुपए कमा रहे हैं महीने के, क्या वो नहीं चाहेंगे कि वो 1,50,000 से 3,00,000 रुपए की तरफ बढ़े? बिल्कुल चाहेंगे। 30,000, 80,000 रुपए से 1.5 लाख, 3 लाख रुपए तक पहुंचना अच्छी बात है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत एक्साइटिंग होगा। शुरुआती दौर में बहुत सारा पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है। ये सब ऐसा नहीं है कि आपको रोज रोज उठकर ऑफिस जाना है, आप अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इस बिजनेस में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट कर कर आप कोई रिस्क ले रहे हैं। भाई आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसको लाखों रुपए कमाना पसंद नहीं है, जिसे अच्छी लाइफ नहीं पसंद है? कोई ऐसा? एक बार जब आप ऑटो सेल्स मास्टर बन जाते हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली अपनी जगहों पर बैठ जाती है। अब अगर आप लोग अपने जो गोल्स हैं उनको बहुत हाई सेट करते हैं, जैसे क्या 40 लाख में कमा पाऊंगा, मेरे लिए तो 24 लाख भी बहुत ज्यादा है, तो क्या करूं, तो 1.5 से 3 लाख कमाइए और अपने दोनों तरफ 100 लोग रखिए। अब अगर आप सुने कि एक इंसान के दोनों तरफ 1000 लोग हैं, या हो सकता है कि दोनों साइड पे 10,000 लोग हो, तो आप सोचेंगे मैं ये कर सकता हूं? ये 1000, 10,000 नंबर बहुत बड़े लगते हैं, इसलिए 100, 200 लोगों से शुरुआत कीजिए आप। पर अभी जब मैं आप लोगों को देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा है, पर सच तो ये है कि ये 100, 200 लोगों को ढूंढने का एक तरीका है। ये बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये 100, 200 लोग खुद अपने आप नहीं ढूंढेंगे, ये आप अकेले नहीं करेंगे। खुद मेरे लिए भी 100, 200 लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, आपको पता है जब मैंने ये कंपनी शुरू करी थी, मैं पहला इंसान था जिसने लोगों को रिक्रूट किया। मुझे खुद अपने आप लोगों को ढूंढना था। हाँ, मैं लोगों को बताता था कि बिजनेस क्या है, मैं उन्हें प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए कहता था और फिर उन्हें कहता था कि मेरे साथ आकर काम करो। तो मेरी बात सुनने के बाद आपको क्या लगता है कितने लोग मेरे साथ आए? 17 लोग? नहीं, 17 लोगों से भी कम थे। मैंने उन 17 लोगों को खुद अपने आप रिक्रूट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ RM जियोंग सूप पार्क को बताया था, जिनका एक सूप का बिजनेस था जो फेल हो चुका था। मिस्टर क्यू जोंगचोई उनके रेस्टोरेंट में खाने का सामान सप्लाई करते थे। अब उनको किसने रिक्रूट किया? मैंने किया कि RM जियोंग सूप पार्क ने किया? उन्हें रॉयल मास्टर जियोंग सूप पार्क ने रिक्रूट किया। मैं तो 200 लोगों को भी अपनी लाइन में रिक्रूट नहीं कर पाया था। इतने सारे लोग थे जिन्होंने मुझे ना बोल दिया था, जबकि मैंने उन लोगों से बड़ी ईमानदारी से बात करी थी। मैंने हजारों लोगों को फोन किया था, कहा था कि मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं और आप लोग आकर मेरा प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हैं, प्लीज हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए। फिर भी कुछ गिने चुने लोग ही आए थे। अब ये जो 5-6 लोग आए थे, इन्होंने बाकी लोगों को जाकर आगे रिक्रूट किया। तो जब मैं आपको कहता हूं कि 200 लोगों को रिक्रूट करना है, उसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को 200 लोग ढूंढने हैं। एक बार जब आप अपने जान पहचान के लोगों को या अनजाने लोगों को रिक्रूट करना शुरू करते हैं, क्या सारे आपको हाँ बोल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक इंसान जिसने 1.5 करोड़ रुपए लगा के अपना सुपरमार्केट खोला है, क्या आपको लगता है आपके कहने से वो आपके साथ आ जाएगा? उस इंसान का अगर बिजनेस फेल हो गया या उसके पास बहुत सारा वक्त है तो ही वो आएगा आपके पास। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं, आप लोग सारी रात जागते हुए सोचते हैं कि क्या मैं उसको बताऊं, और जब आप उसको बताते हैं तब वो आपको ना बोल देता है। फिर आप सोचते हैं मुझे पता था ये होगा। उस इंसान ने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि ये ना करने की उसके पास वजह थी, पर आप सोचते हैं ये बिजनेस मुश्किल है। एटमी एक ऐसी चीज है जो हर कोई नहीं कर सकता है। सोच कर देखिए, देश कौन चलाएगा और ये स्कूल्स कौन चलाएंगे? हर कोई ये बिजनेस नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इस बिजनेस की जरूरत है और हमारा काम है इन लोगों को ढूंढना। और जब आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ना, तब ये काम बहुत थका देने वाला होता है। तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिंता मत कीजिए और बस लोगों को इसके बारे में बताइए, बस लोगों को बताते रहिए। फिर इसके बाद क्या होगा? जो लोग इस काम को ढूंढ रहे हैं वो खुद ब खुद आपके पास चले आएंगे। अब एटमी के बारे में इन लोगों को बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन लोगों को 1-डे सेमिनार्स में इनवाइट कीजिए, या फिर इन्हें इनवाइट कीजिए किसी सक्सेस एकेडमी में। उन लोगों को बोलिए कि आइए और आकर खुद सुनिए। अगर वो पूछे कि ये किस बारे में है, तो सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश मत कीजिए, बस बोल दीजिए कि मुझे तो लेक्चर सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेक्चर इतना अमेजिंग था कि मेरे पास शब्द ही नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप खुद ही चलिए और खुद ही देख लीजिए। आप जाकर खुद ही देख लीजिए कि वो अच्छा है या नहीं। एक बार जब आप जाकर सुनेंगे, अगर आपको सही ना लगे तो आप मुझे कन्विंस कर दीजिएगा कि मैं ये बिजनेस ना करूं। अगर आप उन्हें आने के लिए कहेंगे और इस बारे में साथ में डिसाइड करेंगे तो उनमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो सोचेंगे कि अरे इस चीज का ही तो मैं इतने वक्त से इंतजार कर रहा था। तो जहां आप इसमें शायद इंटरेस्टेड हो सकते हैं, वहीं लोग ऐसे भी हैं जो इसमें पूरी तरह डूब जाएंगे। और उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए नतीजा उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होगा। कभी कभार तो इन लोगों को भी पता ही नहीं होता है। ये वो लोग होंगे जो सोचते रहे होंगे कि ये बिजनेस कभी काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल जो है आज तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है, पर एटमी मिलने के बाद वो पूरी तरह फट जाते हैं। हाँ, मैंने ये कहानी सुनी थी। किसी ने सोचा मैं ऑफिस में पहुंचने वाला सबसे पहला बंदा बनूंगा, तो वो बहुत सुबह ऑफिस पहुंच गया। उसने देखा ऑलरेडी सब लोग ऑफिस में हैं। फिर अगली सुबह वो और एक घंटे पहले आया और उसने देखा फिर से लोग ऑफिस में हैं। उसने सोचा लोग तो यहां बहुत जल्दी काम पर आते हैं। अगले दिन वो और जल्दी आया, पर फिर भी वहां पर लोग थे। उसने फिर लोगों से पूछा कि तुम कितने बजे काम पर आते हो? उन्होंने कहा हम तो कल रात घर ही नहीं गए। मतलब वो लोग सारी रात वहां बैठकर काम करते रहे। इन्हीं लोगों की तरह आपको भी अपने काम को लेकर इतना जुनून दिखाना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। आपकी आंखों में ना आग जलनी चाहिए। एक बार ये कर लिया तो सक्सेस पाना बड़ा आसान हो जाएगा। कभी कभार कुछ लोग सोचते हैं मुझे पता नहीं कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम ढूंढते हैं कि कोई और इसको करेगा या नहीं, लोगों से बात करके देखते हैं वो ये करेंगे या नहीं। ये लोग इस तरह से बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पर कभी कभार इनकी किस्मत चमकती है और इन्हें कुछ जबरदस्त लोग मिल जाते हैं। कई लोग ये बात सोचते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसमें उन्हें बहुत अच्छा होने की जरूरत है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं या मैं उसमें अच्छा नहीं हूं, और वो बात को अपने ऊपर लेकर चले जाते हैं। पर एक्चुअली सक्सेस में खुद की जो एबिलिटी है वो सिर्फ 1% ही काम आती है। आप अपने पर्सनल कनेक्शन से सक्सेसफुल नहीं बनते हैं। अगर 1000 लोग इकट्ठा हो जाए तो आप उनमें से कितने लोगों को जानते होंगे? यहां पर इतने सारे लोग हैं, पर मैं इस कंपनी को शुरू करते वक्त आप में से कितने लोगों को जानता था? बहुत ही कम लोगों को। यहां शायद 1000 के करीब लोग होंगे, पर आप सब लोगों में से मैं काफी कम लोगों को जानता हूं। हर कोई यहां पर किसी ना किसी से कनेक्टेड तो है ही। जो किसी और इंसान को जानता था, जो किसी और इंसान को जानता था, और ऐसे करते करते आप लोग आकर मुझसे मिले। इसलिए आपको सक्सेस अपने जान पहचान के लोगों से या एबिलिटी से नहीं मिलेगी। तो अगर आपके पास एबिलिटी है तो आपको ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपनी एबिलिटी को किसी के लिए काम करके मंथली सैलरी में वेस्ट मत कीजिए, बल्कि ये बिजनेस कीजिए, कुछ बड़ा कीजिए। और वो लोग जिनको लगता है कि उनके पास एबिलिटी नहीं है, आपको भी ये बिजनेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना किसी एबिलिटी के आप और क्या काम करेंगे? आप कुछ और काम करके पैसे तो कमाने से रहे। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई एबिलिटी नहीं है तो आपको एटमी जरूर करना चाहिए। मान लेते हैं कि आप कम स्मार्ट हैं। वैसे तो आप कम स्मार्ट लोगों से अपने आसपास घिरे हुए रहते हैं, एक कम स्मार्ट यहां, एक कम स्मार्ट वहां, और उसके आसपास ज्यादा कम स्मार्ट लोग हैं। जैसे जैसे ये कम स्मार्ट लोगों की चेन चलेगी, आपको एक फुल स्मार्ट भी मिल जाएगा इसमें। ये इंसान शायद सोचे कि अरे वाह, ये क्या बिजनेस है। जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, उनके पास सिर्फ एबिलिटीज ही नहीं होती है, पर उन लोगों के बड़े बड़े पर्सनल नेटवर्क भी होते हैं। इनमें से कुछ स्मार्ट लोग इंटरनेशनल प्लेयर हो सकते हैं। खैर, एटमी में आप सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे। आपको बस इसे करते रहना है जब तक कि आपकी टीम में स्मार्ट लोग ना आ जाए। आपको पता है, नेटिव अमेरिकन रेन डांस करते हैं तो जरूर बारिश होती है। वो इसलिए क्योंकि वो तब तक नहीं रुकते जब तक बारिश नहीं हो जाती। तो हम लोगों को पहले पहले से जज नहीं करना चाहिए कि कोई इंसान ये बिजनेस करेगा या नहीं। इसे लीगल टर्म में पूर्व अनुमान करना भी कहा जाता है। मान लीजिए एक इंसान चोर की तरह दिखता है, अगर ये इंसान कोर्ट में गया किसी केस में तो ज्यादातर उसे सजा दे दी जाएगी। एक स्टडी हुई थी ये देखने के लिए कि ठीक ऐसे हालातों में खूबसूरत लड़की के साथ क्या होगा। ज्यादातर कम खूबसूरत दिखने वाली लड़कियों के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली लड़कियों की पेनल्टीज कम थी। क्यों? क्योंकि जजेस ज्यादातर मेल थे, जिन्होंने पहले से ही प्रीजज कर लिया था कि इतनी खूबसूरत लड़कियों ने ऐसी गलतियां नहीं करी होगी, और उन्हें इस बात पर विश्वास था, जिसकी वजह से उन्होंने इन औरतों को छोड़ दिया। इसीलिए आपको इस बात के बारे में जज करने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला इंसान ये काम करेगा भी या नहीं करेगा। ये चीज तो वो इंसान अपने आप खुद ही फैसला लेगा। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ माइंड। चलिए साथ में कहते हैं लॉ ऑफ माइंड। कौन डिसाइड करेगा वो करेंगे या नहीं? वो खुद डिसाइड करेंगे। सारी रात सोचने के बाद आप फैसला करते हैं कि आप किसी को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, और फिर आखिर में आप उसके मुंह से सुनते हैं क्या हो गया तुम्हें। वो इंसान आपसे कहता है कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो, लोग ऐसे होते हैं। या आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये इंसान तो करेगा नहीं, इसको बताने में कोई नुकसान नहीं, और वो आपको पलट कर ये कहे कि अरे यही चीज तो मैं ढूंढ रहा था। तो कौन फैसला करेगा करेंगे या नहीं? वो खुद। और कौन फैसला करेगा उन्हें बताना है या नहीं? आप लोग। अगर आप लॉ ऑफ माइंड समझ जाए तो आप सेल्स के बादशाह बन जाएंगे। आपको काम करने में कोई दिक्कतें ही नहीं आएंगी। तो फिर लोग किस बात पे इतना ज्यादा परेशान होते हैं, मैं क्या कहूंगा, उनको कैसा लगेगा अगर मैं ये कहूंगा, तो इन सारी चीजों के ऊपर वो पहले अपनी नींद गंवाएंगे और उसके बाद सुबह उठकर वो खुद से कहेंगे सेल्स तो बहुत मुश्किल है। सच में सेल्स तो बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने कुछ किया ही नहीं और वो इस बात से परेशान थे कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा। ऐसा करना किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं। दूसरा इंसान क्या सोचेगा उसके बारे में फिक्र मत कीजिए, पहले बात तो कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या होगा, पहले जाकर बात कीजिए। आपका सामने वाले इंसान से बात करना जरूरी है, क्योंकि चिंता करने की जरूरत उस सामने वाले इंसान को है। अगर आप उस इंसान को कुछ बताएंगे ही नहीं और ये सोचते रहेंगे कि वो क्या सोचेगा, तो इस चीज से किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सोचिए मत, बस लोगों से बात कीजिए। बाइबल भी ये कहता है कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, तो बस बात कीजिए, दूसरे इंसान को सोचने दीजिए। इसी से आपको पता चलेगा कि सामने वाले इंसान को ये काम करना है या नहीं। लेकिन आप किसी को कुछ बताएंगे नहीं तो आप टाइम और एनर्जी ही वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए एफिशिएंट होने का बढ़िया तरीका है कि आप लोगों को सेमिनार में इन्वाइट कीजिए, और वो क्या फैसला करेंगे ये सोचकर आप मत परेशान होइए। बस उनसे कहिए चलो चलते हैं। अगर वो इंसान ना कह दे तो रहने दीजिए। क्या उस एक इंसान की वजह से आप सक्सेसफुल नहीं होंगे? आप जिन लोगों को जानते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं जानते उनसे भी बात कीजिए। आपको सिर्फ बात करनी है, इसलिए किसी से भी बात कीजिए। आप बस जाकर कह दीजिए। अगर कोई इंटरेस्ट दिखाता है तो आप उसे और बताइए, नहीं तो आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि लोग आपको बहुत मिलेंगे। जब आप इतनी आसानी से बात करेंगे और लोगों को कहेंगे कि चलो हम सक्सेस एकेडमी में चलते हैं, तो जैसे कुछ लोग होंगे जो आने के लिए मना कर देंगे, वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आने के लिए बेसब्री से आपके इनविटेशन का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग कुछ करना चाहते हैं, इसलिए जब आप इन्हें इन्वाइट करेंगे ना, तब ये आपके साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी भी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं। आप में से काफी लोग इसी वजह से यहाँ पर हैं, पर ऐसे लोग ये सब सुनकर बहुत हैरान होते हैं। केसेस हैं जहाँ कुछ लोग ऐसे ही सेमिनार में आ गए, फिर आगे चल के बहुत बड़े हो गए। देखिए, यहाँ आने के बाद कुछ ना कुछ तो होगा। या तो आप यहाँ कर होकर रह जाएंगे, या तो फिर आप चले जाएंगे। ये फैसला कौन लेगा कि ये काम करना है या नहीं? वो इंसान। और उसको बताने का काम किसका होगा? आपका। आपको सिर्फ बात ही तो करनी है। ये एक्चुअली मेरी अब आदत बन चुकी है। जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं, तब वहां पर खाना खत्म करने के बाद मैं बातें करने लगता हूं। मैं कहता हूँ मैडम मैं कॉस्मेटिक्स बेचता हूँ, वो पूछती हैं आप कौन सा कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, मैं कहता हूँ मैं एटमी के कॉस्मेटिक्स बेचता हूँ जो केरी ने बनाया है। न्यूज में कहा जाता है कि ये बहुत बढ़िया है और लोग इसके पीछे क्रेजी हुए पड़े हैं, पर दरअसल इसका दाम बिल्कुल आधा है। लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए अपने लग्जरी प्रोडक्ट्स भी बाहर फेंक दिए हैं। मैं बस इसी तरह बात करता हूँ। कितना टाइम लगा? 17 सेकेंड। कुछ लोग जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि हमने इस चीज के बारे में पहले सुना है। वो पूछते हैं कि इसको हम कैसे खरीदें, फिर आप वहां से आगे बात कर सकते हैं। कुछ लोगों का इस चीज पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगा तो आप वहां से निकल लीजिए, लेकिन अगली बार जाएंगे तो दोबारा बात कीजिए। मेरा मतलब ये जरूरी है कि आप इस बारे में बार बार बात करें। जरा सोच के देखिए, कोई इंसान किसी चीज के बारे में बात करेगा और लोग कहेंगे अरे वाह हाँ मुझे खरीदना है, ऐसा मुश्किल से होता है। ज्यादातर वक्त वो कहते हैं कि उन्हें ये सब नहीं चाहिए, पर उनके दिमाग में ये चलता है। जैसे ही वो भूलने लगे आप वापस याद दिला दीजिए। इस बार शायद वो इंटरनेट में इसके बारे में चेक करें और मान लीजिए किसी और से भी इसके बारे में सुने। अगर आपने एटमी वर्ड ही नहीं सुना होगा तो कोई अगर इस बारे में बात भी करेगा तो आपको ना तो कुछ समझ में आएगा ना आपको याद रहेगा। पर अगर आपने एटमी के बारे में सुना होगा और अगर किसी ने कहा होगा कि एटमी के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, आप सोचेंगे कि अरे रुको, किसी ने इस बारे में मुझे बताया था। जिसने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया था उसको जब कोई और कहेगा कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो वो शायद पूछे आप वो प्रोडक्ट्स मुझे दिखा सकते हैं। तो इसीलिए आपको चांस लेना है और आपको बात करते रहना है। अब हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान वो इस तरह से सेट किया हुआ है कि कमीशन जो आपको मिलते हैं वो सेम रहेंगे, चाहे डायरेक्ट डाउनलाइन वो सेल करे, चाहे 10, 100, 1000 या 10,000 डाउनलाइन नीचे वो सेल हो। ये ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। आप स्मार्ट हो सकते हैं या आप हाफ स्मार्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाफ स्मार्ट जो होते हैं वो दूसरे हाफ स्मार्ट से घिरे हुए होते हैं और ये जो हाफ स्मार्ट होते हैं इनके आसपास भी और भी हाफ स्मार्ट होते हैं और इन्हीं के बीच से एक फुल स्मार्ट हाजिर होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि लाइन कितनी नीचे तक गई है, आपके कमीशंस बिना लिमिटेशंस के आप तक आएंगे। ये प्लान सिर्फ कोरिया में ही अप्लाई नहीं होता है। अगर आपकी लाइन यूएस तक भी फैल जाए, उसके बाद जापान, फिर वहां से वापस कोरिया, फिर वापस यूएस और वहां से कनाडा, तो भी ऐसे डिजाइन किया गया है कि सेल्स की सारी कमीशंस आप तक वापस आएंगी। ये डिजाइन आपके लिए है। अगर आप यूएस में हैं तो आप यूएस ब्रांड से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, अगर आप कोरिया में हैं तो आप कोरिया से प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। आपके पार्टनर्स चाहे कोरिया में हो, जापान में हो या फिर यूएस में, टोटल कमीशन ऐड करके आपको दे दिया जाएगा। ये एक ऐसा प्लान है जो आपके लिए बहुत आसान है पर कंपनी के लिए बहुत टेढ़ा। अगर आप अपना मन बना लेते हैं एटमी में ऑटो सेल्स मास्टर बनने का, तो आपको सिर्फ आगे बढ़ने की जरूरत है। ऑटो सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको 100 ऑटो कंज्यूमर्स चाहिए, आपके लेफ्ट में और आपके राइट में। पर इन 200 लोगों को आप अकेले नहीं ढूंढ सकते। जब तक आपके पास 2-3 लोग हैं तो वो लोग भी आपके साथ मिलकर ऑटो कंज्यूमर्स ढूंढेंगे, जब तक वो पूरे 200 लोग मिल नहीं जाते। और उन 100 लोगों में से अगर कुछ ऑटो कंज्यूमर्स आगे बढ़कर ऑटो सेल्स मास्टर बनना चाहते हैं तो आप आगे बढ़कर बन जाएंगे डायमंड मास्टर। एक बार जब वो एसएम्स डीएम्स बन जाएंगे तब आप बन जाएंगे शेरन रोज मास्टर। और अब शायद 24 लाख से 40 लाख रुपए कमाना इतना दूर का सपना ना लगे, पर आप जैसे ही ऑटो सेल्स मास्टर बनते हैं आप मास्टरशिप में कॉन्टिन्यूअसली आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक मास्टरशिप को अचीव करके ये सिस्टम आपकी मदद करेगा कि आप अपने बैलेंस लाइफ की तरफ आगे बढ़े और आप सच में सक्सेसफुल बने। लेक्चर खत्म करता हूं, सुनने के लिए धन्यवाद।